तो फ्रेंड्स यही दिन देखने को बाकी रह गया था, ऑलिम ट्रेड ने इंट्रोड्यूस करा था एडवाइजरी ऑप्शन, जो आपको एडवाइज करता था कि पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए आपको ट्रेड लेनी चाहिए डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ या अपवर्ड ट्रेंड के साथ। तो भैया सेम चीज आ गई बायनोमो के अंदर विद अ डिफरेंट नेम। ओके, तो यहां पे आई है चार्ट स्कैनर, बायनोमो चार्ट स्कैनर। तो भैया ये क्या है, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट है, 1,00,000 रुपए की ट्रेड लेने वाले हैं पूरे की पूरी वीडियो के अंदर, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। और आई मीन सीरियसली अब हमें ये लोग बताएंगे FTT एंड डिजिटल ब्रोकर्स कि हमें ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। आई एम स्पीचलेस। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल के ट्रेडिशनल इंट्रो के साथ। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। तो फ्रेंड्स अभी आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं बायनोमो के लाइव अकाउंट से मैं लॉगिन हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं चार्ट स्कैनर। यहां पे आप देखेंगे राइट साइड में, टॉप राइट साइड में चार्ट स्कैनर के नाम से एक छोटी सी विंडो आ रही है, इसको क्लोज कर देता हूं। अब यार एक चीज लोग मुझसे जरूर पूछेंगे कॉमेंट सेक्शन में कि सर मेरे अकाउंट में ये जो ऑप्शन है क्यों नहीं फीचर हो रहा है या क्यों नहीं शो हो रहा है, या मैं मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं तो ये ऑप्शन मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है। तो यार इसका जवाब आप लोगों को मैं दे देता हूं। तो यार कुछ एप्लीकेशंस में, माफी चाहूंगा, एप्लीकेशन में ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन लैपटॉप में अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करेंगे, ब्राउजर यूज करेंगे, तो ये फीचर को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको शो होगा। अब यहां पे एक ट्रिक भी है भाई, बहुत सारे लोग हैं वो बोलेंगे कि मैं डेस्कटॉप यूज कर रहा हूं, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूं, इवन दो मैं इस फीचर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। तो भैया उन लोगों को मैं बता देता हूं, ये जो ऑप्शन है ये आप सभी के अकाउंट में अवेलेबल नहीं होगा। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, सबके पास अवेलेबल नहीं होगा, कुछ ही अकाउंट्स में अवेलेबल होगा। मुझे नहीं पता जेन्युइनली इसके पीछे रीजन क्या है, डेफिनेटली मैं फाइंड आउट जरूर करूंगा रीजन। मैंने काफी फाउंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं मिल पाया है कि जो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, यानी कि वैलिड रीजन कि कुछ अकाउंट्स में है कुछ अकाउंट्स में नहीं है बायनोमो स्कैनर। इवन मैंने अपने दो अकाउंट्स लॉगिन किए, एक अकाउंट में मुझे शो कर रहा है, एक अकाउंट में नहीं कर रहा है। बट जिन लोगों को ये कर रहा है, यानी फिर हो सकता है बीटा वर्जन पे हो, आने वाले टेस्टिंग पे हो, और आने वाले टाइम में सारे अकाउंट्स के लिए ओपन कर दिया जाए, हो सकता है कोई अपग्रेड आने वाला हो, कुछ भी, लेकिन अभी फिलहाल मेरे चार्ट पे ये शो कर रहा है चार्ट स्कैनर। तो इसका मतलब क्या है, और टेस्ट करेंगे भाई इसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ग्राफ पे अभी मैंने चार करेंसी खोल रखी है डिफरेंट डिफरेंट, यहां पे आप देख सकते हैं ऑड यूएसडी, ऑल्ट कॉइन आईडीएक्स, यूरो यूएसडी और क्रिप्टो। तो ये चार मैंने अलग अलग पेयर्स खोल रखे हैं यार, क्योंकि हो सकता है ना कि चारों में सेम आता हो ये चार्ट स्कैनर। तो यहां पे देखेंगे आप रिकमेंड कर रहा है स्ट्रांगली अप जाने वाला है विथ ऑड यूएसडी। ओके, अब मैं आता हूं यहां पे, यहां भी स्ट्रांगली अप रिकमेंड कर रहा है। अब मैं आता हूं यूरो यूएसडी के साथ, यहां अप रिकमेंड कर रहा है, यानी कि चेंज है, सेम नहीं है भाई, चेंज यहां पे भी है। ठीक है, अब मैं आता हूं क्रिप्टो के साथ, तो यहां पे मुझे स्ट्रांगली अप रिकमेंड कर रहा है। तो एक चीज मुझे कॉमन दिखी यहां पे कि अप ट्रेंड चल रहा है चारों तरफ। ठीक है, ओके, अगर मैं डिफरेंट करेंसीज के बाद जाता हूं, मैं एक और करेंसी ऐड कर लेता हूं ऑड यूएसडी, अगर मैं ऐड ऑड कैड अगर यूज कर लेता हूं, यहां पर डाउन ट्रेंड है, आप देख सकते हैं यहां पर डाउन ट्रेंड है। ओके, सो अब भाई सवाल ये उठता है कि डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन हमें कितने टाइम पीरियड के लिए ट्रेड लेनी चाहिए। तो यार मैंने काफी सारे टाइम पीरियड्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ ट्राई की है, मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। तो यहां पर आपको प्रोबेबली यानी नियर बाय 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, 5 मिनट्स, ओके, 4 से 5 मिनट के आसपास की ट्रेड लेनी है, तो काफी अच्छा वर्क करता है, इससे कम टाइम के लिए कुछ खास प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो अब मैं जाता हूं डायरेक्टली ऑड कैट के साथ, क्योंकि बाकी चारों जो ग्राफ है उसमें एक ही तरीके का ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन यहां पे अगर मैं देखूंगा तो यहां पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन स्ट्रांगली नहीं रिकमेंड किया गया है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ओके, तो अब यहां पे मैं ट्रेड लेने वाला हूं 65,000 रुपीज की, बट घबराने की बात नहीं है भाई, आप लोग बोलेंगे आपने तो 1,00,000 बोला था, तो इसके बाद एक और ट्रेड लेंगे 35,000 रुपीज की, क्योंकि बायनोमो में आप 65,000 रुपीज से ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकते सिंगल टाइम में, आपको भी पता ये चीज। तो यहां पे मैं लेने वाला हूं 65,000, और यहां पे मेरे सामने आ गया है स्ट्रांगली रिकमेंडेड डाउन ट्रेंड, और मैं लेने वाला हूं 5 मिनट की। तो भैया अभी टाइम क्या हुआ है, 12:55 AM, यानी कि सुबह की 12:55 हो गए। तो अब मैं ट्रेड लेने वाला हूं
यानी कि 1 बजे का टाइम, और मेरा ट्रेंड रहने वाला है डाउनवर्ड क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। प्राइस देखेंगे आप यानी कि अमाउंट का, तो वो है 65,000 रुपीज और मैंने ट्रेड जो है वो काफी पहले प्लेस कर दी है और देखते हैं कि 5 मिनट के बाद क्या होता है। भाई कुछ कह नहीं सकते। अब एक चीज लोगों को, लोग बोलेंगे कि भैया ये क्या चल रहा है ग्राफ का, तो यार उन लोगों को बता देता हूं, यहां पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ओके, तो इस तरीके का ग्राफ का भी सिनेरियो चल रहा है। अब क्रेडिबिलिटी की बात आती है, कितने परसेंट हम श्योर हो सकते हैं। तो यार मेरा ये मानना है, ब्रोकर्स यहां पे बैठे पैसा कमाने के लिए, आप लोग यहां पे बैठे पैसा कमाने के लिए, अगर मेरी एक शॉप है जहां पे मैं चीजें बेच रहा हूं लोगों को, एक्स वाई जेड, भाई किराने की सामान है, मतलब किराने का सामान है मैं बेच रहा हूं, ऊपर से मैं लोगों को यह प्रचार कर रहा हूं कि मेरी ही शॉप पे से आप सामान लेके जाओ, लेकिन ये लूप होल है जिससे कि आप सामान लेके जा सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, डिस्काउंट एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं ऐसा लूप होल आप लोगों को बताऊं जहां पे आप लोगों को बिलीव करना ही मुश्किल हो जाए, तो मेरे लिए ना डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को। डायनामो ने चार्ट स्कैनर के नाम से एक ऑप्शन तो इंट्रोड्यूस जरूर किया है, लेकिन किस हद तक सक्सेसफुल है और कितना बिलीव कर सकते हैं आप। अब चार्ट स्कैनर कैसे काम करता है मैं इसके ऊपर आपको दिखा देता हूं। यहां पे हाउ डज इट वर्क्स, मैंने जब क्लिक किया तो यहां पे मेरे सामने छोटी सी एक चिट्ठी आ जाती है, और चिट्ठी को अगर मैं पढ़ता हूं, यानी कि मैंने पूरी चिट्ठी को ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो इसका सारांश आपको बता देता हूं। यहां पे इन्होंने बोला है कि हमने 7 डिफरेंट मूविंग एवरेज वाले इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है ये पर्टिकुलर सिनेरियो बनाने के लिए, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ओके ओके भाई, मान लिया कि तुमने किया भी होगा, लेकिन इससे लोगों का तुम क्या फायदा करा के देने वाले हो। यहां पे भी बायनोमो के पास एक वैलिड रीजन है, क्या करना चाहता है वो। बायनोमो सेड कि आप अगर बिगिनर हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे यूज कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हो, तो ये हमारे सिग्नल है, आप इसे लो और प्रॉफिट करके लेके जाओ। ऑफ कोर्स आप यहां से प्रॉफिट लेके नहीं जाने वाले हो इन द एंड ऑफ द डे, क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है, पीपल जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी इस तरीके से हो जाती है। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी मेंटेलिटी ऐसे होती है, आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं चार्ट स्कैनर पे, या आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी जो ऑल इन ट्रेड आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको किसी भी स्ट्रैटेजी पे या कोई भी ब्रोकर आपको कह रहा है ये पर्टिकुलर सिग्नल 100% करेक्ट है, तो आपको डिपेंड नहीं होना उस पर, आप वो सिग्नल यूज कर सकते हो। मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी यूज की थी ऑल इन ट्रेड डे अपने एडवाइजरी ऑप्शन के साथ, उसके ऊपर ही वीडियो बनाई हुई, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वो जो वीडियोस थी उनमें आपको साफ पता लगेगा कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स मैंने आपको लिख के दिखाई भी थी, और बहुत सारी भी ट्रेड्स ली थी, मल्टीपल ट्रेड्स ली थी, हमारे रिजल्ट्स जस्ट उल्टे आ रहे थे। एक ट्रेड पे बिलीव करता हूं कि हम हो सकता है कि लॉस करके जाए, लेकिन बहुत सारी ट्रेड्स मल्टीपल ट्रेड्स में भी हम लॉस कर रहे थे। मतलब सिंपल था कि यहां पे आप 100% प्रॉफिट नहीं लेके जाने वाले हो। तो यहां पे कुछ और भी चीजें बताई गई है जिसमें एक डिस्क्लेमर भी दिया है, जहां पे बायनोमो ने अपने आप को बचा लिया है। मैं यहां पे बायनोमो को गलत साबित नहीं कर रहा हूं किसी भी तरीके से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बायनोमो के खिलाफ नहीं है, मैं खुद बायनोमो यूज करता हूं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अगर मैं रेट करता हूं बायनोमो को, तो मैं ऑल ओवर ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो पूरे वर्ल्ड में यानी कि इंडिया के अंदर अवेलेबल है, चलो वर्ल्ड को एक बार साइड में रखते हैं, इंडिया के अंदर जितनी भी सारी ट्रेडिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है वहां पे मैं बायनोमो को रेट करता हूं सेकंड पे। फर्स्ट पे मैं रेट करता हूं ओलिम को, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ है, और बायनोमो को मैं सेकंड पे रेट करता हूं क्योंकि थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज आते हैं बायनोमो के साथ, लेकिन ओवरऑल ब्रोकर जो है वो काफी अच्छी क्रेडिबिलिटी रखता है। तो बायनोमो से मुझे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, और मैं किसी को ठोन नहीं मार रहा हूं, मैं किसी को तर्क नहीं दे रहा हूं ये चीजें बता के। लेकिन जब आप एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस करते हो चार्ट स्कैनर के नाम से, तो किस हद तक वो काम करता है। अभी तक मैंने काफी सारी ट्रेड्स ली हैं, मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो मुझे मिले हैं 60% रिजल्ट्स। अब मैं एक कैलकुलेशन पे आता हूं, अगर मुझे 60% रिजल्ट मिल रहे हैं तो मैं ओवरऑल न्यूट्रल रहूंगा या लॉस में रहूंगा, डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी ट्रेड्स लेंगे या कितनी छोटी ट्रेड्स लेंगे। अगर आप बड़ी ट्रेड्स लॉस करते हो, छोटी ट्रेड प्रॉफिट करते हो, तो आप अल्टीमेटली लॉस में रहोगे। ये एक स्ट्रक्चर जो है बायनोमो का बनाया हुआ, ये कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, बाकी देखते। अब यहां पर आपको एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है जहां लिखा हुआ है कि प्लीज, यहां पे देखो एडवाइजरी भी दी गई, हमें बोला गया है द स्टेट ऑफ द मार्केट कैन बी वेरी वोलेटाइल एंड द चार्ट स्कैनर एडवाइस डज नॉट गारंटी सक्सेसफुल रिजल्ट्स, प्लीज बी श्योर टू मेक वेल कंसिडर्ड डिसीजन व्हेन ट्रेडिंग। तो भैया इनका कहने का मतलब है कि हमने ट्रेड तो आपको बता दिया कि डायरेक्शन किस में जाने वाली है, लेकिन आप 100% श्योर होकर हमारी ट्रेड पे बिलीव मत करो, क्योंकि अगर वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है तो ये जो एडवाइजरी है हमारी तरफ से ये काम नहीं करने वाली है, यानी कि स्कैनर का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरी एप्लीकेशन है, पूरा चीजें काम नहीं करेंगी। तो इनकी तरफ से ये हो गया भाई ये चीजें कह के सेफ।
अब कहीं ना कहीं चीजें सही भी है भाई, अपने आपको सेव करना भी जरूरी है। एक चीज इन बिटवीन बताना चाहूंगा, बैनमो से अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो या फिर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, तो एक चीज बताना चाहूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, फास्ट विड्रॉल्स मिलेंगे, बोनसेस प्रोग्राम्स में से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, टर्नओवर आपको कम कंप्लीट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से ही ज्वाइन हो बायनमो, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो यहां पे मैं एक बार के लिए इसको काट देता हूं, आप भी चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, कुछ खासा काम का नहीं है। अब हमारी जो लास्ट ट्रेड है वो एंड हो गई है और वो प्रॉफिट में एंड हुई है। ओके, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो हमारी जो लास्ट ट्रेड है वो हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दी है, तो थैंक यू बायनमो, आई गॉट प्रॉफिट। ओके, अब हमारी ट्रेड बची है 35,000 रुपीज की, जो हमें लेनी है नेक्स्ट ट्रेड, ताकि हमारा जो टर्नओवर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैंने 35 जो है वो कर दिया है यहाँ पे, अब मुझे 35,000 रुपीज की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर रही है। अब मैं किस तरीके से करता हूँ वो, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा चार्ट स्कैनर पे, और स्ट्रांगली रिकमेंडेड है तो मैं 5 मिनट की ट्रेड प्रोबेबली करने वाला हूँ, और मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। हुर्रे, आई प्लेस द ट्रेड इन अपवर्ड डायरेक्शन विदाउट नोइंग द एंट्री पॉइंट, स्लाइटली स्ट्रेंज फॉर मी, बट इवन दो चीजें काफी अच्छी हो रही है, लास्ट ट्रेड में अगर मैं प्रॉफिट में लैंड करता हूँ 65,000 रुपीज की ट्रेड है। ओके भाई, ठीक है। ओके ओके, सो अभी देखेंगे मेरे रियल अकाउंट में बैलेंस हो गया है 2,41,000 रुपीज, एंड मैंने जो ट्रेड है वो प्लेस कर दिया, बिल्कुल अगेंस्ट चली गई है मेरी प्रिडिक्शन के, एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्या होने वाला है क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट देखते जो भी होगा बेस्ट की उम्मीद करते। और मैं भैया सीरियसली इतने पैसे खराब नहीं करना चाहता, बट ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूं तो ये गए तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स को ले रहा है आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि एप्लीकेशन ये जो फीचर है कैसे काम करता है, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने बहुत बड़ी ट्रेड ली थी ऑलिन ट्रेड के एडवाइजरी ऑप्शन के बारे में आपको बताने के लिए, तो भैया लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करें कि चैनल पे आपको क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। आपके सारे कमेंट्स मैं रीड करता हूं और कोशिश करता हूं आपकी कमेंट्स के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट उसी टॉपिक पे लेके आने के लिए। तो यहां पे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन चल रही है इस ट्रेड की और मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, देखते। ओके, तो भैया ये जो ट्रेड है ये हमने लॉस कर दिया, यानी कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ इस पर्टिकुलर ट्रेड पे। अब यहां पे देखा जाए टाइमिंग को लेके, तो भैया ये जो ट्रेड है सिर्फ 1.5 मिनट की ट्रेड प्लेस हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे बायनमो का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों। अब मैं क्या करता हूं यहां पे थोड़ा टाइमिंग इंक्रीज करता हूं, एक और ट्रेड लेंगे हम 35,000 रुपीज की, एंड फिर से देखेंगे कि किस तरीके से स्कैनर काम करता है। ओके, तो अब मैंने टाइमिंग है वो काफी ज्यादा प्लेस कर दिया और अब मैं ट्रेड लेने वाला हूं स्ट्रांगली। चलो अब इस बार हम क्या करेंगे ना, इस बार हम करेंसी चेंज करके देखने वाले हैं, यहां भी स्ट्रांगली अप रिकमेंड कर रहा है, तो यहां पे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया। ओके, अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। हमने जो ट्रेड लिया वो लिया 35,000 रुपीज की, बहुत बड़ा अमाउंट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने 35,000 रुपीज का लॉस किया है, अगेन हम आ गए 35,000 रुपीज की ट्रेड पे, और देखते हैं कि क्या होने वाला है इस ट्रेड के ऊपर, और अगेंस्ट आवर प्रिडिक्शन के अगेंस्ट जा रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक चीज आप लोगों से जरूर चाहूंगा, कमेंट करके बताओ कि इस ट्रेड की क्या हालत होने वाली है, इन द एंड ऑफ द डे लॉस करने वाले हम या प्रॉफिट करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, ये चीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अपने प्रिडिक्शन को देखो कि आपके प्रिडिक्शन किस हद तक करेक्ट होते हैं किस हद तक राइट होते हैं, चार्ट को देखो पर्टिकुलर करेंसी पेयर को देखो, और आप अपने आप को जज करना सीखो उस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ कि क्या होगा। अब देखो फिलहाल हम जो है प्रॉफिट में आ गए हैं। अब यार इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ या इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है वो है एंट्री पॉइंट को लेके। हमें समझ नहीं आता है कि हमें कौन से एंट्री पॉइंट पे ट्रेड लेनी चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो फिक्स है। अब यहां पर रिकमेंड कर रहा है अप, तो ठीक है भैया कितनी देर के लिए आप रिकमेंड कर रहा है वो नहीं समझ आ रहा, तो ये चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं मुझे लगती है मिसिंग है और बायनमो को ऐड करना चाहिए अपने सिस्टम के अंदर। तो मेरा सजेशन है बायनमो को ये चीज जरूर ऐड करें, उसके बाद पॉसिबल है कि ये जो सिस्टम है उनका काफी अच्छा वर्क करे, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग से ही एक चीज क्लियर कर दी थी कि मैं बायनमो के अगेंस्ट नहीं हूं, बायनमो बहुत अच्छा ब्रोकर है, इवन तो मैं भी यूज करता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे काफी जो है चिंतित करती है, आश्चर्यचकित करती है, स्ट्रेंज चीजें हैं। आप ऐसा ऑप्शन लेके आते हो लेकिन एंट्री पॉइंट नहीं बताते हो। आप अगर बात करता हूं वॉल्यूम ट्रेड की, तो सेम एडवाइजरी ऑप्शन वो लेके आए थे लेकिन वहां पर वो एंट्री पॉइंट लगभग क्लियर हो जाता था कि कब हमें एंट्री करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। तो फ्रेंड्स एक और बात, वीडियो देखने के बाद सारे के सारे मेरे पीछे मत पड़ जाना कि भैया मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में आ रहा है, वो जरूर रीजन फाइंड आउट करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन उससे पहले फाइंड आउट करना ये जरूरी है कि ये रियली आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अब अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, ये पर्टिकुलर जो फीचर है वो इतना कुछ खासा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बदले अगर आप ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करें, मार्केट न्यूज पे ट्रेड ले, तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये एप्लीकेशन और ये जो स्कैनर है क्लियरली सेज दैट अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो ये फीचर काम नहीं करेगा बैनमो के साथ। अब नॉर्मल पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट एक ऐसा आदमी जिसको नहीं पता कि मार्केट वॉलेटाइल क्या है या कैसे चेक करता है, उसके लिए फीचर जो है बिल्कुल ही यूजलेस है, कुछ भी काम का नहीं है। और एक ऐसा बंदा जिसे सारी चीजें पता है, उसको पहले मार्केट को चेक करना पड़ेगा, देन यहां पे इसकी हेल्प से ट्रेड लेना पड़ेगा। तो भैया अगर मैं मार्केट को चेक कर रहा हूं तो मैं ये पर्टिकुलर फीचर क्यों यूज करूं बायनमो का? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहां पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं सिनेरियो। तो भैया हम तो अभी लॉस में ही जा रहे हैं एंड आई डोंट नो कि प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। और स्ट्रांगली अप का रिकमेंडेशन आ रहा है, इफ यू कैन चेक स्ट्रांगली अप, आई मीन सीरियसली भैया, इतनी झक मारने के बाद आप कह रहे हो स्ट्रांगली अप, और यहां पे एक बड़ी सी कैंडल मिलती है रेड कलर की, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है भाई। तो यहां पे देखते हैं कि होता क्या है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो यार मेरे को ये पैसे लॉस नहीं करने दे, क्योंकि अगर मैं ये लॉस कर जाता हूं तो अल्टीमेटली मैं लॉस में ही फिनिश करूंगा। और भाई बहुत ही कम मार्जिन के साथ यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत ही कम मार्जिन है, हमारी जो पर्टिकुलर लाइन है उसके ऊपर चला गया है। और लेट्स सी की व्हाट विल हैपन। तो यहां पे हमारे पास जो क्लोजिंग, ओह भैया इसको बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा फिलहाल, बट हो गया है। ओके, तो अभी वापस वो नीचे चला गया है ग्रीन कलर का कैंडल, और हम ये जो ट्रेड है वो लॉस कर गए हैं। स्ट्रांगली अप का रिकमेंडेशन था, स्ट्रांगली अप। तो यार यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, या मैं कहूं सारांश क्या निकलता है इस वीडियो का, कि आप लोग ना ट्रेड जब भी लेते हो ना, तो ये चीज को देख के मत लो, अपने आप को देखो, अपने खुद को प्रिपेयर करो ट्रेड लेने के लिए। आप इससे बेटर कर सकते हो, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो इससे बेटर। क्योंकि ये जो है, ये रिकमेंड किया हुआ है बैनमो की, भैया कितनी मूविंग स्ट्रेटजी लगाई इसमें, 7-8 डजंट मैटर, बट यू कैन डू बेटर देन दिस। आप बेटर ट्रेड ले सकते हो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, अच्छी ट्रेडिंग करो, छोटी रिस्क पे ट्रेड करो और छोटा प्रॉफिट अर्न करो डेली, तो इससे बेटर आप कर सकते हो। ओके भैया, अब स्ट्रांगली अप करके क्या फायदा, मैं ऑलरेडी लॉस कर चुका हूं और मेरा जो अकाउंट है वो कम हो गया है, क्योंकि पहले मैंने प्रॉफिट किया था ऑफकोर्स, देन अगेन मैं 35,000 का लॉस कर गया हूँ, एंड देन अगेन मैं 35,000 का लॉस कर गया हूँ। ओके, और ये जो आप पीछे ट्रेड्स देख सकते हैं, 29th अप्रैल की भी ट्रेड्स देख सकते हैं आप, और यहाँ पर 30 अप्रैल की भी आप ट्रेड देख सकते हैं। ये सारी जो ट्रेड्स है ये इसी स्कैनर को यूज करके मैंने लिए, स्कैनर को यूज किया मैंने, और आप देख लो रिजल्ट क्या है। यहाँ पे पूरे अगर ट्रेड्स को देखेंगे तो ऑलरेडी 3 जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में है, बाकी सब क्लोज, यानी सब लॉस ही है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इसको मत ही यूज करो आप, मेरा ओपिनियन आप लोगों के लिए रहेगा। खुद ट्रेड करो, अपनी स्ट्रैटेजीज पे और चीजों पे वर्क करो, स्कैनर पे मत बिलीव करो, एडवाइजरी ऑप्शन जो अनलिमिटेड का है उस पे मत बिलीव करो, बिलीव इन योर सेल्फ, आप इससे बेटर कर सकते हो, ट्रस्ट मी। ओके, सो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच यार गाइज, क्योंकि यार इतना पेशेंस चाहिए रहता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूं आप अपनी वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।